हिमाचल के कांगड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए मांगे वोट, कांग्रेस पर किया तीखा वार। कांगड़ा की रैली में पीएम ने कांग्रेस को बताया दीमक, लोगों से बीजेपी को 3/4 बहुमत से जीत दिलाने की अपील। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी वो दीमक की तरह है, जड़ों से दीमक को साफ करना जरूरी है, तब जाकर के हिमाचल को इस बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। हिमाचल में पीएम ने कांग्रेस को घेरा, कहा नेताओं को अपनी पार्टी पर नहीं विश्वास, दूसरे दलों में ढूंढ रहे हैं बाकी। गुजरात दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, राहुल गांधी पर वार, बोले विकास उनके लिए मजाक, हमारे पर हमारा मजाक। विकास मजाक छे, भारतीय जनता पार्टी माटे विकास मिजाज छे, नमे आगर पर आज गति थी विकास करवाना छे। 5 दिन तक गुजरात में रहेंगे अमित शाह, 36 शहरों में घूमकर बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। गुजरात में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर किया हमला, कहा राज्य के हित में नहीं है विकास को नीचा दिखाने की मुहिम। 8 नवंबर तक पार्टी दारों पर अपना रुख साफ करेगी कांग्रेस, कानूनी प्रावधानों के बारे में सौंपी जा चुकी है रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ हार्दिक पटेल का हमला, ट्वीट किया, बहुत सारे विधायक पार्टी से नाराज, मजबूरी में कहना पड़ रहा है। अच्छा, ग्लिम इंडिया बिजनेस रिफॉर्म में भी पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा लोगों को समझ में नहीं आ रहा अर्थव्यवस्था का सुधार। इंडिया बिजनेस रिफॉर्म में पीएम मोदी ने की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा, कहा 100 पर पहुंची वर्ल्ड बैंक में हमारी रैंकिंग। चिदंबरम को वकील बनाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस का तंज, अजय माकन ने कहा कदमों में आए केजरीवाल, पहले खिलाफत करते थे, पहले आरोप लगाते थे, अब एकदम से उनके पांव में गिर करके किस तरीके से उनसे उनको अपना वकील बना रहे हैं, इसके ऊपर मुझे खुशी है कि संदीप जी और हमारे विचार एक हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला, जैश के हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, एक की स्थिति गंभीर। जम्मू कश्मीर में फिर से पुलिस वाले बने आतंकवादियों का निशाना, शोपिया में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर ग्रेनेड से हमला। चीन ने एक बार फिर से दी युद्ध की धमकी, शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए। संयुक्त सैन्य कमान के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति का भड़काऊ संदेश, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कहा जीतने के लिए रहें तैयार। अरुणाचल के दौरे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, बोमडिला में बुद्ध महोत्सव में हिस्सा लिया। फिल्म पद्मावती के विवाद में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का दखल, कहा इतिहास के साथ हो रहा है खिलवाड़। कमल हासन के विवादित बयान को लेकर वाराणसी में अदालत में मुकदमा दर्ज करने का आदेश, 22 नवंबर को अगली सुनवाई। अलीगढ़ में कमल हासन के मुंह में कालिक पौधने वाले को 25,000 रुपये इनाम देने का ऐलान। एयरपोर्ट पर खराब अनुभव को लेकर बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु ने किया ट्वीट, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ ने सिंधु के साथ की बदतमीजी। सिंधु ने लिखा हैदराबाद से मुंबई तक की उड़ान में आई परेशानी, बाद में एयर होस्टेस ने जताया अफसोस। बिहार के बेगूसराय में सिमरिया घाट पर भगदड़, 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत, 10 घायल। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में डुबकी लगाने गए थे श्रद्धालु, कुंभ और कल्पवास के मेले के मौके पर हादसा। मुख्यमंत्री नीतीश ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए। मेला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, भारी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने 7 लोगों के मारे जाने की बात कही, बंदोबस्त पर नीतीश सरकार को घेरा। मॉरिशस के दौरे से लौटने के बाद ऊंचाहार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, अस्पताल में पीड़ितों से मिले। दिल्ली लाए गए बुरी तरह से घायल 15 मरीज, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करेंगे। एनटीपीसी हादसे में गया के 2 युवकों की मौत, परिवार का आरोप, नियमित कर्मचारियों को मिला अच्छा इलाज। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल भारतीय समाज पार्टी में घमासान, ओम प्रकाश और राजभर ने प्रत्याशियों का किया ऐलान। आगरा में नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेता का ड्रामा, मंदिर जाकर भगवान के सामने मन की बात कही। राजस्थान से फिर गौशाला की दूध दहला देने वाली तस्वीर, बीमार बछड़ों को कुत्तों ने नोच खाया।
मध्य प्रदेश के भिंड में दलित को दबंगों ने बीच सड़क पर लाठियों से बुरी तरह से पीटा, थाने में की थी शिकायत। उपचुनाव में अपनी मर्जी की वोटिंग के लिए पीड़ित कल्याण जाटव की हुई थी पिटाई, शिकायत करने पर भड़क गया दबंगों का हौसला। मध्य प्रदेश के दमोह में दलित छात्र की पिटाई, उतारे कपड़े, 70 रुपए की चोरी का आरोप। फरीदाबाद में चलती ट्रेन में जुनैद की हत्या को लेकर पिता पर समझौते का दबाव, पैसे की मांग करने की खबर से इनकार। जेडीएस अध्यक्ष कुमार स्वामी ने 1 करोड़ में खरीदी बस, चुनाव प्रचार के लिए करेंगे इस्तेमाल। 2003 से 2013 तक 2 बार विधायक रहे सुंदरपाल सिंह बिट्टू, कांग्रेस छोड़कर आपके साथ कहा, दिल्ली सरकार के काम को देखकर किया मैंने फैसला। देश की राजधानी में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल, सोलर पावर खरीदने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी खरीदने के लिए तीनों बिजली कंपनियों से की बात, 3 महीने में शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया। अगले 2 दिन दिल्ली NCR में रहेगा गहरा कोहरा, घट सकती है विजिबिलिटी। हरियाणा के हिसार में कोहरे का कहर, स्कूल बस और वैन में टक्कर, 3 महिला टीचरों समेत 4 की मौत। वृंदावन में महिला ने भगवताचार्य पति पर लगाया जबरन देह व्यापार कराने का आरोप, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की शिकायत। झारखंड के गोड्डा में ईंट व्यवसायी की हत्या, लूटपाट के बाद मार दी गोली। कानपुर में ग्लू फैक्ट्री के चमड़े में लगाई आग, अवैध रूप से काम करने का आरोप। इंदौर के बाताल पानी में सेल्फी लेने के दौरान हादसा, मोबाइल को बचाने के लिए झुकी लड़की झरने में गिरी, मौके पर मौत। बिहार के दरभंगा में डुमरी गांव में बेखौफ बदमाश, कॉलेज की छात्रा के घर घुसकर छेड़छाड़, विरोध करने पर दबंगों ने छात्रा को निर्वस्त्र कर पीटा, बीच बचाव करने पर मां भाई की भी जमकर पिटाई। बदमाशों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी, घर से बाहर निकालने पर लगाई पाबंदी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप, ससुराल वालों के खिलाफ मामला। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर 2 लड़कियों की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के दमोह में फिर से इंसानियत शर्मसार, 70 रुपए की चोरी के आरोप में 10वीं की दलित छात्रा के स्कूल में उतरवा लिए गए कपड़े। पीड़ित लड़की के अनुसार टीचरों ने पूरी क्लास के सामने जबरन कपड़े उतरवाए, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। उत्तरकाशी की सड़क पर दिखे नशेड़ी पुलिस वालों की करतूत, शराब के नशे में धुत तो पुलिस वालों को पब्लिक ने सिखाया सबक। डूबे गए मुजफ्फरपुर में बेवफा पत्नी ने लगाया पति को चूना, प्रेमी के साथ 35 लाख रुपए लेकर हुई रफू चक्कर। यूपी के मथुरा में महिला ने पति पर लगाया वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला किया दर्ज। झारखंड के गोड्डा में कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या, लुटेरों ने ईंट भट्टे के मालिक को लूटा और गोली मार दी। भिंड में दलितों पर टूटा दबंगों का कहर, पिटाई की शिकायत थाने में करने पर दलितों की लाठी डंडों से पिटाई। हरियाणा के फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 की मौत, स्कूल वैन बस की आमने सामने टक्कर, 3 महिला टीचर्स और ड्राइवर की हुई मौत। फरीदाबाद में चोरों का आतंक, मोबाइल शोरूम की छत में सेंध लगाकर हजारों का माल ले उड़े। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक के किनारे किनारे चल रहा शख्स राजधानी की चपेट में आया, मौके पर मौत। दिल्ली में पकड़े गए नकली नोटों के सौदागर, 96,000 के नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में दिन दहाड़े महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, रिश्तेदार ने महिला की हत्या की गिरफ्तार। बिहार में थम नहीं रही अवैध शराब की तस्करी, दरभंगा में होमगार्ड के जवान के घर से 250 बोतलें जब्त। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफियाओं पर नकेल, छापेमारी में टास्क फोर्स ने 2 को गिरफ्तार किया, 3 ट्रैक्टर 4 ट्रॉली 2 मोटरसाइकिल जब्त। बिहार के नालंदा में पुलिस के हत्या छड़ा कुख्यात अपराधी, ATS ने सत्येंद्र दुबे की हत्या के आरोपी उदय मल्लाह को गिरफ्तार किया। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया समिट की शान बनी खिचड़ी, इंडिया गेट पर सांझा चूल्हा लगाया गया, रात भर पकड़ी खिचड़ी, वजन 1122 किलो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज। शेफ संजीव कपूर की अगुवाई में पकी खिचड़ी, 500 किलो चावल और कई तरह की दालों का हुआ इसमें इस्तेमाल। खिचड़ी में पतंजलि के मसालों का इस्तेमाल, योग गुरु बाबा रामदेव ने लगाया तड़का। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और साध्वी निरंजन ज्योति और बाबा के रामदेव ने एक साथ खिचड़ी पकाई।
With the grace of God.